पाटलिपुत्र आ गए हैं और हमें रैपिडो बुक किए हैं। टावर का रिएक्शन देखते हैं कैसा है, क्या रिएक्शन है उसका। तो गाइज फिलहाल पाटलिपुत्र आ गए हैं और हमें रैपिडो बुक किए हैं, रैपिडो का वेट कर रहे हैं। मेरा शकल का हालत देख रहे हो आप लोग, तो जाएंगे नहाएंगे धोएंगे खाएंगे और सोएंगे। मैंने मतलब पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, रैपिडो बुक किए, रैपिडो जल्दी से आता है तो फिर निकलते हैं, ठीक है। रैपिडो आने में 10 मिनट में टाइम है। शकल बहुत बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, देख रहे हो। निकलते जल्दी से, यहाँ पर खड़ा देख रहे हो, और यहाँ पर एलिवेटर भी ख़राब था। ये सरकारी जगह पे ना मतलब हर ना कोई ना कोई चीज़ ख़राब रहता है, कोई भी अच्छा चीज़ बनाया हो समझ रहे हो। ये हमारा फ्लैग तिरंगा कितना शान से लहरा रहा है। तो गाइस हम अपने गली में आ चुके हैं और अब देखते हैं दिलावर का रिएक्शन, देखते हैं कैसा है, क्या रिएक्शन है उसका। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। दिलावर का रिएक्शन देखते हैं। चल ठीक ठीक, अब नहा जाते नहा जाते, चल चल ठीक है ठीक है, बस बड़ा सुन तर, बस कर बस कर बेटा, बस कर बस कर बस कर बस कर बेटा बस कर। तो गाइस हम सो के मस्त उठ गए हैं और बहुत टाइम बाद ये आपको पीछे का व्यू दिख रहा होगा मेरे रूम का, तो हम फिलहाल रूम पे हैं और ये तो बजा हुआ है मस्त। ये बहुत मिस किया हमको, बहुत मिस किया भाई। बाहर से जस्ट आया था, अभी जस्ट आट रहा था, देखो दिख रहा है ब्लॉग में। दिलावर है बोलो है, मेरा बच्चा को बहुत मिस किया हम, मेरा प्यारा बच्चा को, है ना बच्चा। और गाइस मेरा ऐसा शकल इसलिए है क्योंकि हम मेरा अभी नींद पूरा नहीं हुआ, आज बस सोएंगे, कल मेरा मस्त नींद पूरा हो जाएगा यार समझ रहे हो। पर मज़ा बहुत आया, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, वहाँ पे अलग ज़िंदगी है मतलब, ठीक है समझ रहे हो ना। अब यहाँ से रोज़ डेली मेरा जो जो लाइफ होता है साइकिल वो स्टार्ट, और कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो देखो क्या होता है। पूजा भी है कल पीयूष के घर, तो जाना है, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं कैसा। तो गाइस जब से हम रक्सौल से यहाँ पर आए हैं मेरे पास ही हमेशा रह रहा है, मेरे पास बैठ रहा है, मेरे पास सो रहा है। बहुत मिस किया ना बेटा हमको, हैं देख रहे शक्ल कर रहा है बेटा, बहुत मिस किया ना हमको तुम, हैं उसी वक्त से मेरे ऊपर लगा हुआ है हमेशा, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। हम कहीं से आए बहुत जोर चाटने लग रहा है, कूदने लग रहा है, बहुत मिस किया मैंने बेटा। नहीं जाएंगे बेटा, नहीं जाएंगे तुम छोड़, कभी नहीं जाएंगे। सोच रहे आप जब भी जाए कहीं भी जाए इसको लेके जाए, है ना बच्चा, मेरे संग मस्त घूमने चलेगा, चलेगा बोलो, चलेगा बेटा, चलेगा मेरे संग बोलो। बड़ा भी हो गया, देख रहे कितना बड़ा हो गया, ये देखो गधा लग रहा है एकदम। नहीं भी तो 50 किलो का पहुंच गया बेटा, नहीं 50 किलो नहीं 40 किलो पहुंच गया होगा, है ना बेटा। खा भी तो बहुत रहा है, बोलो बोल कह नहीं रहे हो, अरे बोलिए ना बेटा। वो गधा मस्त हो गया, मस्त नहीं जाएंगे छोड़ के, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे छोड़ के, नहीं जाएंगे। देख रहा मासूम शक्ल इसका, किसी को मैं आ जा देख के, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ब्लॉग जब बना रहे तो। ठीक है सो बेटा, सो नहीं छपूंगा सो। अभी देखो मेरे देह पे चढ़ गया बेटा, क्या क्या चाहिए, अब मेरे शरीर पे चढ़ना है तुमको, चढ़ जाएगा आराम से, नहीं ले सकते हो। ब्लॉग बना रहे हैं प्यार से आराम से, आदमी बना रहा है, हैं बदमाशी करना है आपको, है ना, कुछ हो जाए बदमाशी करिएगा आप। हाँ वाह,
मतलब नहीं सुधरिएगा आप, हाँ बोलिए ना सुधरिएगा। कान में क्या लगाए हैं आप, कान में क्या लगाए हैं, सुधर जाइए। हाँ वाह, ये क्या ला सुधरेंगे, इनको बिस्तर पे सोना है ना बेटा, बेड पर नहीं, बेड तुम गंदा कर देता है ना, बेड तुम गंदा करता है ना ना ना, बेड नहीं लगते, सॉरी सॉरी, पता नहीं कान में क्या क्या लगा, इसको नहवाना पड़ेगा, कल नहवा देंगे। गाइस हम ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं क्योंकि अब सोना है, और मतलब समझ लो कि इतना थके हुए ना कि हम आज खाना भी नहीं खाया और जिम भी नहीं किया, फिर उसके साथ जिम गए फिर वापस आ गया, तो आप सोच सकते हो कितना हम थके हुए हैं। ठीक है, तो आप मेरे फेस से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सुनो एकदम इतना एनर्जेटिक होकर मतलब समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा समझो बात को आप। ठीक है, तो अब ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। ठीक है, कल जन्माष्टमी है, तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।